16 जुलाई को ग्रैंड मास्टर और अर्जुन अवार्डी प्रवीण थिपसे शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले को लेकर माना विमानतल पहुंचेंगे। इसके बाद पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतिथ्य में ऑडिटोरियम भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां और आयोजन की रूपरेखा बनाने के लिए खेल संघों के पदाधिकारियों ने बैठक ली। आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ पर देश के प्रथम बार चेन्नई के महाबलीपुरम में होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का टॉर्च रिले लेकर शतरंज ग्रैंड मास्टर और अर्जुन अवार्डी प्रवीण थिपसे 16 जुलाई को राजधानी पहुंचेंगे। स्वागत और दीनदयाल ऑडिटोरियम में होने वाले आयोजन को सफल बनाने भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोऑर्डिनेटर और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने संघ कार्यालय में शतरंज समेत अन्य खेल संघ पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान विनोद राठी समेत अन्य पदाधिकारियों से आगामी योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले का स्वामी विवेकानंद विमानतल में स्वागत के बाद तेलीबांधा चौक में स्कूली बच्चों और नगर घड़ी चौक में ओलंपिक खेल संघ के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। इस दौरान जयसम चौक में आमजनों को सेल्फी लेने का मौका भी दिया जाएगा। स्वागत के बाद पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतिथ्य में स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे मुख्यमंत्री बघेल को टॉर्च रिले सौंपेंगे। शतरंज संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद राठी ने भी कार्यक्रम के बारे में बताया। जी, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ, छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज संघ और खेल एवं युवक कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो टॉर्च रिले वहां से दिल्ली से प्रारंभ किया था, वो विभिन्न राज्यों में होते हुए 16 जुलाई को सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच रही है। इस टॉर्च को लेके प्रवीण थिपसे जी जो ग्रैंड मास्टर हैं वो लेके आएंगे और वो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए यहां से उसका रूट रहेगा वीआईपी चौक, वीआईपी चौक से तेलीबांधा, नगर घड़ी, नगर घड़ी से जयस्तंभ चौक, जयस्तंभ चौक से दीनदयाल जो ऑडिटोरियम है वहां पे ये टॉर्च की रैली जो है रैली के स्वरूप में जाएगी। जगह जगह पर इसके स्वागत किया जाएगा। पहला स्वागत तेलीबांधा में स्कूल के बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा हमारे ओलंपिक संघ और खेल संघ के लोग नगर घड़ी में इसका स्वागत करेंगे। जयस्तंभ चौक में आम जनता के लिए रखा गया सेल्फी जोन बनाया गया, वहां पे स्वागत होगा। उसके बाद वो ऑडिटोरियम में जाएगा। ऑडिटोरियम में जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उस समारोह की मुख्य अतिथि रहेंगे। उनको छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में एक विशेष महतारी का स्वरूप बनाते हुए उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रवीण थिपसे और उनके द्वारा ये जो टॉर्च है वो दी जाएगी। वहां पे एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस टॉर्च को हमारी ओलंपियाड में 2 बार की विजेता किरण अग्रवाल जी को वो देंगे और उसके बाद वो टॉर्च जो है वापस हैदराबाद के लिए रवाना होगी। ये टोटल कार्यक्रम है हमारा और बड़े गौरव की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इसमें सहमति दी है। बहुत व्यस्त होने के बाद वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उनके द्वारा ही टॉर्च जो है और वहां पे प्रधानमंत्री जी का 3 मिनट का जो उद्बोधन है वो भी वहां पे होगा। जो नॉन सेंट्रल से आए हुए हैं, भारत सरकार से जो नियम आए हुए हैं उस नियमों के तहत ओलंपिक संघ कॉम्बिनेशन करते हुए इस कार्यक्रम को पूरा करें। हम तो भारतवासियों के लिए बहुत गर्व के 2 प्रसंग बने हैं खेलों की दुनिया में। शतरंज विश्व शतरंज ओलंपियाड के इतिहास 95 साल के इतिहास में पहली बार शतरंज ओलंपियाड भारत में होने जा रहा है चेन्नई में। ये 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच होगा। आप सब जानते हैं कि शतरंज का जन्म भारत में हुआ, तो अपने ही जन्म स्थल में ये 95 साल की यात्रा करके आया है। ये पहला मौका है कि ओलंपियाड जितना बड़ा आयोजन, और ये जो आयोजन है भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा खेल आयोजन भी होने जा रहा है। इस आयोजन में 188 देश भाग ले रहे हैं, 2000 से ज़्यादा विश्व के शीर्ष खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा आयोजन है। इसी क्रम में एक और जो बड़ी उपलब्धि जो जुड़ी है कि चूंकि भारत में शतरंज का जन्म हुआ तो ये एक नई परंपरा यहाँ से चालू हो रही है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री जोकोविक साहब ने ये दिया है
कि अब से जब कभी भी दुनिया में कहीं भी शतरंज का ओलंपियाड होगा, भारत से ही टॉर्च निकला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है, और हमें गर्व भी है, खुशी भी है कि छत्तीसगढ़ में इस ओलंपिक टॉर्च का स्वागत प्रदेश शासन, ओलंपिक एसोसिएशन और राज्य संघ के खिलाड़ी सदस्य सभी के द्वारा दिल खोल के इसका स्वागत करने की जो तैयारी की जा रही है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रायपुर में जो ओलंपिक मशाल का जो स्वागत किया जाएगा, ये भारत में सबसे अच्छा स्वागत होने जा रहा है। सबके लिए प्रेरणा रहेगी, सबके लिए उत्साहवर्धक रहेगा।